नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी एक भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय के संक्षिप्त परिचय की जानकारी आपको दूंगी। संस्कृत काव्य शास्त्र काव्य और नाटक से संबंधित सिद्धांतों का एक अमर कोश है। इस शास्त्र का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र है, जिसके प्रणेता भरत मुनि को माना जाता है। इसी कारण भरत मुनि को इस दिशा में आद्याचार्य भी माना गया है। इस शास्त्र के अंतिम आचार्य पंडित राज जगन्नाथ हैं, जो कि रस गंगाधर के रचयिता हैं। भरत का समय दूसरी शती ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के मध्य माना जाता है और जगन्नाथ 17वीं शती में विद्यमान थे। इस प्रकार यह शास्त्र 1.5-2 हजार वर्षों की अवधि में फैला हुआ है। भरत मुनि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक लगभग 1500 वर्ष तक फैली हुई संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा में जिन काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन और खंडन मंडन होता रहा है, उन्हें भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय कहा जाता है। संप्रदाय का अर्थ गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र या सिद्धांत होता है। गुरु शिष्य परंपरा से किसी एक विचार को स्वीकार करके उसको मथकर चमकाने वाले और आगे बढ़ाने वाले विद्वान लोग एक संप्रदाय के कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम अलंकार संप्रदाय को ले लें तो हम जानेंगे कि इस संप्रदाय की स्थापना भामह ने की थी। दंडी, उद्भट, रुद्रक, रुईयक आदि अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने भामह की स्थापना को आगे बढ़ाया और यह चिंतन परंपरा आधुनिक काल तक लगातार निरंतर चली आ रही है। इस प्रकार अलंकार संप्रदाय से तात्पर्य उन विचारकों की एक गुरु शिष्य परंपरा से है, जिन्होंने रस और ध्वनि के सिद्धांतों के प्रतिष्ठित हो जाने के पहले भी और बाद में भी अलंकार को ही काव्य की उत्कृष्टता का साधन माना है। भामह के अनुसार अलंकार ही काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व है। ये संप्रदाय मुख्यतः 6 हैं। सबसे पहला रस संप्रदाय है, इसके प्रणेता भरत मुनि माने जाते हैं। दूसरा अलंकार संप्रदाय, इसके प्रणेता भामह माने जाते हैं। तीसरा रीति संप्रदाय, इसके प्रणेता वामन हैं। चौथा ध्वनि संप्रदाय, इसके प्रणेता आनंदवर्धन को माना जाता है। पांचवा वक्रोक्ति संप्रदाय, जिसके प्रणेता कुंतक हैं। और छठा औचित्य संप्रदाय, जिसके प्रणेता क्षेमेंद्र हैं। काव्य विधान के अंतर्गत रस की जो स्थिति भरत के समय से चली आ रही थी, वह अलंकार के काव्य सर्वस्व मानने वाले काव्य अलंकार के रचयिता भामह और काव्य आदर्श के रचयिता दंडी के समय 6ठी शताब्दी में परिवर्तित हो गई। उनके अनुसार रस को अलंकार का एक रूप मान लिया गया था। आगे चलकर 9वीं शताब्दी में एक साथ 3 काव्य आचार्यों वामन, उद्भट और आनंदवर्धन का आविर्भाव हुआ। उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह और आनंदवर्धन ध्वन्यालोक और वामन रीति का समर्थन करते थे। उन्होंने वामन ने रीति को काव्य की आत्मा, आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, जबकि उद्भट ने काव्य अलंकार का यानी भामह का और दंडी का ही समर्थन करते हुए अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करके काव्य शास्त्र को एक नई दिशा दी और नई दिशा में उसे मोड़ दिया। यही कारण है कि आनंदवर्धन को इस शास्त्र का युग प्रवर्तक कहा जाता है और संपूर्ण काव्य शास्त्र को ध्वनि सिद्धांत के आधार पर 3 वर्गों में बांट दिया गया, ध्वनि पूर्ववर्ती काल, ध्वनि काल और ध्वनि परवर्ती काल। आनंदवर्धन के पश्चात पूरे 200 साल तक विभिन्न काव्य शास्त्री ध्वनि सिद्धांत का विरोध करते रहे, लेकिन
काव्य प्रकाश के प्रणेता मम्मट जो 11वीं शताब्दी के हैं, उन्होंने गंभीर विवेचन द्वारा इन सारे विरोधियों का समर्थ शैली में खंडन किया और ध्वनि सिद्धांत की अकाट्य रूप से पुनर्स्थापना की और इसके प्रति आस्था उत्पन्न कर दी। ध्वनि के प्रति मम्मट की यह आस्था अगली 6 शताब्दियों तक निरंतर बनी रही। यहाँ तक कि अलंकार को काव्य का अनिवार्य अंग स्वीकृत करने वाले चंद्रालोक के रचयिता जयदेव 13वीं शताब्दी इन्होंने भी अपने ग्रंथ में ध्वनि प्रकरण को स्थान दिया। ध्वनि के स्थान पर रस को काव्य की आत्मा घोषित करने वाले साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ 14वीं शताब्दी से रस को ध्वनि का ही एक भेद मानते थे। संस्कृत के अंतिम आचार्य जगन्नाथ ने भी ध्वनि सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया। इन आचार्यों में भरत जो रस के प्रणेता थे, भामा जो अलंकार के प्रणेता थे, वामन रीति के प्रणेता, आनंदवर्धन ध्वनि के प्रणेता और कुंतक वक्रोक्ति के प्रणेता। इनको काव्य शास्त्री के उद्भावक आचार्य माना जाता है क्योंकि इन्होंने किसी न किसी नए काव्य सिद्धांत का सर्वप्रथम व्यवस्थित विवेचन प्रस्तुत किया था। रुद्रट, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ ये संग्रहकर्ता आचार्य माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पूर्ववर्ती काव्य शास्त्री सिद्धांतों का स्वच्छ और व्यवस्थित संग्रह प्रस्तुत किया था। इनके अतिरिक्त एक औचित्य सिद्धांत भी स्वीकार किया जाता है जिसका व्यवस्थित प्रतिपादन क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में किया है, किंतु यह काव्य तत्व वस्तुतः स्वतंत्र सिद्धांत ना होकर काव्य शास्त्र के अन्य तत्वों को उपादेय बनाने का साधन मात्र है। इस विद्या को काव्य शास्त्र का नाम देना अधिक उपयुक्त होता है, यानी कि साहित्य विद्या भी इसे कह सकते हैं और काव्य शास्त्र भी। और काव्य के सभी अंगों का परिचय करने के लिए, सीखने के लिए यह विद्या बहुत उपयुक्त है। यह नाम तो पुराना ही है, अंग्रेजी शब्द पोएटिक्स के अनुवाद रूप में भी इसे स्वीकृत कर लिया गया है। अलंकार शास्त्र में अलंकार शब्द अनुप्रास, उपमा आदि के लिए जिस तरह से रूढ़ हो गए हैं, साहित्य शास्त्र में साहित्य शब्द आज वस्तुतः वांग्मय का पर्याय बन गया है। इस प्रकार अलंकार शास्त्र नाम अव्याप्त है तो साहित्य शास्त्र नाम अतिव्याप्त है, अतः इस विद्या का नाम काव्य शास्त्र ही उपयुक्त है।